बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोस किचन। आज हम चाइनीज़ चिली चिकन बना रहे हैं और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसमें सॉल्ट हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, चाइनीज़ सॉल्ट 1/4 टी स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। ये मेरे पास कॉर्न फ्लावर है, ये है 1 टेबलस्पून, प्लेन फ्लावर 2 टेबलस्पून, एग वाइट। अब हम ये चीज़ें चिकन में ऐड करके इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। हम चिकन में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, एक एग वाइट ऐड कर रहे हैं। एग योक जो है वो फ्राइड राइस में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ फ्राइड राइस बहुत मज़े के लगते हैं, तो वो ज़ाया नहीं करेंगे हम, वो फ्राइड राइस में हम यूज़ करेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर ऐड कर रही हूँ और हम 2 टेबलस्पून जितना मैदा ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत हुई तो 2-3 टेबलस्पून हम वाटर ऐड करेंगे, लेकिन अगर ये इसी एग वाइट से बाइंडिंग हो गई इसकी और ये सारा कोट हो गया तो हम वाटर ऐड नहीं करेंगे। हम इसे मिक्स करके देखते हैं हमें ज़रूरत है या नहीं। ये चिकन इसमें अच्छे से कोट हो गई है, मुझे सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना वाटर ऐड करना पड़ा, ज़्यादा नहीं। अब हम इसे कवर करके 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये मैरिनेटेड चिकन को 2 आवर्स हो गए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें सिंगल लेयर में एक एक चिकन का पीस इस तरह से डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना है, सिंगल लेयर में डालिएगा ताकि इनकी कोटिंग ख़राब ना हो। इनको 2 बैचेस में मैं फ्राई करूंगी। एक में अभी इतनी ही चिकन आई है, एक साइड पहले सेट हो जाए फिर हम इसको टर्न करेंगे। एक साइड से हो गई है, अब इनको टर्न कर लेते हैं। ये सेकेंड सेट हो गई है कोटिंग, इसको टर्न करेंगे और इसका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि ये कच्ची हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने सारी टर्न कर ली, अब इसको दूसरी साइड फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी क्रिस्पी से गोल्डन चिकन फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी चिली चिकन का फर्स्ट स्टेप हो गया है, जिसमें चिकन को फ्राई करना था। फ्राई अब इसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। अब एक पॉट में हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे, साथ हम इसमें
ये सीसम ऑयल है, इसका 1 टीस्पून जितना ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा नटी फ्लेवर आएगा। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो जैसे ही लहसुन थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे, ये आपकी टेस्ट के मुताबिक है। मैं 1 ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हमारे पास ये 1 क्यूब्स में कटी हुई अनियन है, इस तरह से क्यूब्स में काट ली है, और 1 कैप्सिकम। अब हम इनको फ्राई करेंगे। वेजीज आपकी अपनी चॉइस है, आपको जितनी ऐड करनी है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 अनियन और 1 कैप्सिकम जो है वो क्यूब्स में काट के ऐड की है। अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। 1/2 टीस्पून ये मेरे पास क्रश्ड रेड चिली है, 1 टीस्पून ये चिकन पाउडर, 1/2 टेस्ट इसमें ऐड करेंगे। मैं फिलहाल इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है, जैसे कि सोया सॉस। हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस ऐड करेंगे, ये मेरे पास लाइट सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस चला गया। ये राइस विनेगर है, वन टेबल स्पून जितना हम ये राइस विनेगर ऐड करेंगे। चिली सॉस 1 टेबल स्पून जितना चिली सॉस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम अभी 1/2 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। थोड़ा फ्लेम तेज कर देते हैं। अब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो हमारे ड्राई चिली चिकन रेडी है। अगर आप इसको इस तरह से खाना चाहें तो ये ड्राई चिली चिकन रेडी हो गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सॉसी बनाऊंगी क्योंकि हम फ्राइड राइस के साथ खाएंगे। तो मैं इसमें हाफ कप जितना वाटर ऐड कर रही हूँ। अब जब वाटर में बॉईल आएगा तो मैं 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर वाटर में डिजॉल्व करके इसमें ऐड करके इसको थोड़ा थिक कर दूंगी। ये देखें वाटर में उबाल आ गया है पानी में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके, ये मैंने 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर डिजॉल्व किया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और देखूंगी कि कितनी मुझे थिकनेस चाहिए, एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे। ये देखें अच्छी सी थिकनेस आ गई है और ये अभी भी मेरे पास थोड़ा सा बच गया है। ये इतनी थिकनेस काफ़ी है। ये हमारा चिली चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब हम लास्ट में इस पर स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल करेंगे।
अब बस एंड में ये हैंड फुल ऑफ स्प्रिंग अनियन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारी चाइनीज चिली चिकन रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये हमारे चाइनीज चिली चिकन रेडी है, आप इसे एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, साथ केचप और चिली विनेगर में डिप की हुई के साथ, बहुत मज़ा देंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको दोनों वर्जन बता दिए कि ड्राई किस तरह से आप बना सकते हैं और ये थोड़ी सी सॉसी, दोनों वेरिएशन आपको बता दिए हैं। इसे ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।